पढ़ाई कोई भी हालत में नहीं बच्चों को छोड़ना चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द चिल्ड्रन शुडंट लीव द स्टडीज। क्या? व्हाट? नहीं तो इरेगुलर हो जाते हैं। अदरवाइज दे बिकम इरेगुलर। कभी पढ़ाई पढ़ेंगे, कभी कभी नहीं पढ़ेंगे। समटाइम्स दे स्टडी एंड समटाइम्स दे डोंट। तो टीचर का रिगार्ड मिलेगा उनको? देन विल दे गेट रिगार्ड फ्रॉम द टीचर? स्टूडेंट्स दे वोंट। टीचर कौन से बच्चों को रिगार्ड देता है? द टीचर गिव्स रिगार्ड टू विच चिल्ड्रन? कितना भी बुद्धू बच्चा हो। स्टूडेंट्स टू दोज हु आर रेगुलर एंड पंक्चुअल नो मैटर हाउ डल अ चाइल्ड इज। लेकिन अगर रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ता है, इफ ही स्टडीज द नॉलेज रेगुलरली एंड पंक्चुअली, तो टीचर समझता है ये मेरे को महत्व देता है, पढ़ाई को महत्व देता है। द टीचर थिंक्स दैट ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू हिम, ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू द स्टडीज। तो टीचर की अनुकंपा उन बच्चों को मिलती रहती है। सो दोस चिल्ड्रन कीप रिसीविंग द सिंपथी ऑफ द टीचर। टीचर उन बच्चों को याद करता है, ये भी बाप है। द टीचर रिमेम्बर्स दोस चिल्ड्रन, दिस फादर इज ऑल्सो लाइक दैट। पढ़ाई तुम छोड़नी नहीं है। यू शुडंट लीव द स्टडीज। बल समझ की वो ही बातें हैं। दो द टॉपिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर द सेम। एक ही बात रोज मुरली में आती है। द सेम थिंग इज सेड इन द मुरली डेली। बाप कहते हैं जो एक बात मुरली में रोज आती है, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये कंप्लीट कर ले। द फादर सेज वन पॉइंट दैट इज नरेटेड इन द मुरली डेली, कंसिडर योर सेल्फ अ सोल एंड रिमेम्बर मी द फादर, हैव यू कंप्लीटेड दिस? जब कंप्लीट ही नहीं कर ली। स्टूडेंट नो, व्हेन यू हैवंट कंप्लीटेड दिस एट ऑल। तो वो बात बार बार आती है, तो इस बात पर गहराई से विचार सागर मंथन करना चाहिए ना। एंड दैट पॉइंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो यू शुड डीपली चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स अबाउट दिस टॉपिक, शुडंट यू? कि रोज रोज वही बात क्यों समझाते हैं? व्हाई डज ही एक्सप्लेन द सेम थिंग एवरी डे? क्योंकि बाप तो एक ही बात रोज कहते हैं। बिकॉज द फादर सेज द सेम थिंग एवरी डे। मन मना भव मीनिंग मर्ज इन माई माइंड। रोज समझाते हैं, बाकी बीच बीच में नई नई पॉइंट जरूर सुनाते हैं। ही एक्सप्लेन्स डेली। एज फॉर द रेस्ट ही सर्टनली नरेट्स न्यू पॉइंट्स इन बिटवीन। ऐसे नहीं कि एक ही बात सुनाते रहते हैं। इट इज नॉट दैट ही कीप्स नरेटिंग द सेम थिंग। जो भी मुरली सुनावेंगे, विच एवर मुरली ही नरेट्स, उस मुरली में कोई एक दो पॉइंट जरूर नया आ जाता है। वन और टू न्यू पॉइंट्स आर सर्टनली नरेटेड इन दैट मुरली। तो उस नए पॉइंट से बहुतों को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। सो मेनी गेट अ रिस्पॉन्स थ्रू दैट न्यू पॉइंट।